बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPH3 पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का नया सिलेबस। दोस्तों, आपको बता दें 2020 में नई शिक्षा नीति जो लागू हुई थी उसके आधार पर यूपी के जो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस था वह क्या किया गया था, वह सेमेस्टर वाइज प्रणाली में या सेमेस्टर वाइज पैटर्न में बांट दिया गया था, जो 2021 और 22 के सत्र में लागू हो चुका है। यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया है, या काफ़ी कॉलेज और काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग संचालित करा रही हैं। दोस्तों, आज हम BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जितने भी छात्र छात्राएँ नए आए हुए हैं हमारे चैनल पर। और जूलॉजी की आपको क्लास रेगुलर मिलेगी, आपको टाइमिंग अभी बता दे रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये क्लास मैंने आप लोग को बताया है कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत या नई शिक्षा नीति के तहत जो आपका नया सिलेबस है उसके तहत संचालित किया जा रहा है। आपके क्लास का टाइमिंग क्या होगा यूट्यूब पर, तो आपके सेकेंड सेमेस्टर के क्लास का टाइमिंग है केमिस्ट्री की क्लास रोज़ रात 8 बजे आपको मिलेगी, 9 बजे आपको फिजिक्स की क्लास मिलेगी, बॉटनी की क्लास शाम 6 बजे मिलेगी और जूलॉजी की क्लास शाम 7 बजे संचालित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो आपके सेकेंड सेमेस्टर में आप सबको पता है कि आप सेमेस्टर में प्रत्येक सेमेस्टर में एक थ्योरी का पेपर होगा, एक थ्योरी का पेपर रहता है और दूसरा एक प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो आप सबको पता है थ्योरी, एक थ्योरी की बुक और एक प्रैक्टिकल की बुक। तो सेकेंड सेमेस्टर जो थ्योरी की बुक है, थ्योरी का जो पेपर है उसका क्या नाम है, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। क्या है दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी आपके जो सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का जो सेकेंड सेमेस्टर उसकी बुक का नाम है या उसके पेपर का नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो हम यूनिट बाय यूनिट इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसके सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली यूनिट जो है आपका पेपर, पूरा का पूरा पेपर 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, आपके सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है जूलॉजी का, वो 8 यूनिट में बांटा हुआ है। पहला यूनिट जो आपका है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। यानी कि आपको जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन, बायो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में अध्ययन करना है। इसमें आपको पढ़ना होगा स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस और स्ट्रक्चर के बारे में कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड आपको पढ़ना है। आपको पहले यूनिट में पढ़ना है लिपिड्स के बारे में, लिपिड्स क्या होते हैं, इनके जो है प्रयोग क्या क्या हैं। तो लिपिड्स को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले प्रोटीन के बारे में जानकारी होनी लेनी पड़ेगी। तो प्रोटीन आप तैयार करेंगे, फिर आप लिपिड्स पढ़ेंगे, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंस है वो है आपका एमिनो एसिड। तो आपको कुल मिलाकर के यूनिट फर्स्ट में स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, लिपिड्स के बारे में पढ़ना है और एमिनो एसिड के बारे में पढ़ना है आपके पहले यूनिट में। दूसरा यूनिट है आपका जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर का, जो दूसरा यूनिट है दोस्तों वो है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। क्या है दोस्तों, एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। इसमें आपको पढ़ना है नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नॉमनक्लेचर और एंजाइम का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। उसके बाद में पढ़ना है आइसोजोन, आइसोजाइम पढ़ना है, आइसोजाइम क्या है इससे संबंधित इसका क्लासिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा और एंजाइम काइनेटिक भी आपको पढ़ना है। यानी कि आपको जो सेकंड यूनिट है आपकी एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन, इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका ये हो जाएगा नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब आपका जो तीसरा यूनिट है दोस्तों, उसका तीसरे यूनिट के नाम आपका क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
मेटाबॉलिज्म एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स के बारे में आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जो आपकी बायो मालिक्यूल बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री है यानी कि सेकेंड सेमेस्टर का जो केमिस्ट्री है उसमें पहला अध्याय है आपका केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। वहाँ भी आपको पढ़ना है और यहाँ भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है। देखिए दोस्तों, जो आपका सेकेंड सेमेस्टर जो आपका ये नई एजुकेशन के पॉलिसी के दौरान आपका सेमेस्टर वाइज सिलेबस बांट दिया गया है। पहले जो ग्रेजुएशन का पेपर होता था बड़ा आसान होता था, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती थी, आप पास हो जाते थे। लेकिन अब आपको पास होने के लिए मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तो आप जो है अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अब आपको नॉलेज भी मिलेगा। अब आप ये सिलेबस पढ़ेंगे तब आपको नॉलेज मिलेगा। पहले क्या था, बहुत ही ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं था। आप देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस इस बार कितना लॉन्ग कर दिया गया है, ठीक है। इसमें आप जो है बेसिक जानकारी के साथ उठ रहे हैं, जो बेसिक जानकारी है वो आपकी यहीं पर इम्पॉर्टेंट और यहीं पर मजबूत हो जाएगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई, ठीक है, सेमेस्टर वाइज कर दिया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें अब सभी छात्र छात्राओं को मेहनत करना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आप थर्ड यूनिट देख रहे थे। थर्ड यूनिट में मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स के बारे में पढ़ना था, जिसमें हमने देखा कि हमें पढ़ना है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फिर आपको पढ़ना है ग्लाइकोसिस के बारे में, और इसके बाद फिर पढ़ना है आपको बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में आपको पढ़ना है थर्ड यूनिट में। चलिए अब हम चौथी यूनिट की बात करेंगे। चौथा यूनिट जो आपका है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड दिया गया है। आपका जो चौथा यूनिट है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड, तो इसमें आपको पढ़ना क्या होगा, इसमें आपको पढ़ना है कैटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड के बारे में। क्या दोस्तों पढ़ना है? कैटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड के बारे में। इसमें आपको पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड और विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड्स और विटामिन्स के बारे में। फिर आपको पेप्टाइड लिंकेज के बारे में पढ़ना होगा, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, ठीक है। ये तीन टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे और टॉपिक है, ये मेजर टॉपिक है आपके, ठीक है। मैंने मेजर टॉपिक ही लिखा है जो आपका पूरा यूनिट कवर करता है। पांचवा यूनिट आपका है डाइजेशन एंड रीसेपरेशन इन ह्यूमन। इसमें आपको पढ़ना है आपका इम्पॉर्टेंट जो पहला टॉपिक है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन किस प्रकार से है, इसका वर्क कैसा है, इसके बारे में एनालिसिस करना है। अगला है आपका मैकेनिज्म एंड केमिकल डाइजेस्टिव ऑफ फूड, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेस्टिव ऑफ फूड के बारे में पढ़ना है। तीसरा जो आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा मैकेनिज्म ऑफ रीसेपरेशन के बारे में, आपको तीसरे जो आपका टॉपिक है वो मैकेनिज्म ऑफ रीसेपरेशन है जिसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पाँचवीं यूनिट के ये तीन प्रमुख टॉपिक हैं जिसको पूरा का पूरा पाँचवीं यूनिट में आपको कवर करना है। अब छठवीं यूनिट की बात करते हैं, तो आपकी जो छठी यूनिट है वो क्या है दोस्तों, आपकी छठी यूनिट है सर्कुलेशन एंड एक्सक्रेशन इन ह्यूमन। इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, इसमें आपको पढ़ना है ब्लड एंड देयर फंक्शन, ब्लड और उनके फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि ब्लड के फंक्शन के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना रहेगा। अगला दोस्तों क्या है, मैमेलियन हार्ट के बारे में पढ़ना है, मैमेलियन हार्ट के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। और अगला जो आपका है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में पढ़ना रहेगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीन टॉपिक हैं जो आपको छठी यूनिट में कवर करनी होंगी। आप ध्यान रखेंगे ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके यूनिट 6 की। अब यूनिट 7 की बात करते हैं, तो यूनिट 7 का नाम क्या है दोस्तों, यूनिट 7 का नाम क्या है, नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्रेन इन ह्यूमन। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका हम इसको कह सकते हैं दोस्तों तंत्रिका तंत्र और अंतः स्रावी ग्रंथि के बारे में हमें क्यों पढ़ना है। सातवीं यूनिट में हमें किसके बारे में पढ़ना है, सातवीं यूनिट का नाम है दोस्तों तंत्रिका तंत्र अंतः स्रावी ग्रंथि, अंतः स्रावी ग्रंथि आपको
जो सातवां यूनिट है उसका नाम है, जिसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स के बारे में। क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है किसका, हार्मोन का। हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है आपको बताना रहेगा। फिर अगला आपका है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म आपको डिफाइन करना रहेगा। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला यूनिट जो है लास्ट यूनिट आपका वो है आठवीं यूनिट, इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपकी जो आठवीं यूनिट है दोस्तों उसका नाम है मस्कुलर सिस्टम इन ह्यूमन, जिसमें मतलब कि इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा पेशीय तंत्र। आपका जो आठवां यूनिट है उसका नाम है पेशीय तंत्र, यानी मसल्स के बारे में आपको पढ़ना है, मसल्स के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, जिसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बींग्स। यानी कि जो यूनिट आठ है उसमें हमें अपने मसल्स के बारे में पढ़ना है कि जो हमारी मसल्स हैं वो किस प्रकार से हैं, कितने प्रकार की हैं, किस प्रकार से दिखती हैं, इनका वर्क क्या है, और भारत में कितने प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, तो इनके बारे में आपको अध्ययन करना है यूनिट एट में। तो ये रहा आपके सेकंड सेमेस्टर बीएससी प्रथम ईयर जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस जो हमने डिस्कस कर दिया है। इसके पीडीएफ के लिए आप ध्यान रखेंगे टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप सर्च कर सकते हैं एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट, आप सर्च करेंगे जहां पर आपको चैनल मिल जाएगा एसपी स्टडी पॉइंट का लोगो लगा हुआ, ठीक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे, जहाँ पर आपको सभी क्लास का पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर जितने भी छात्र छात्राएँ नए आए हुए हैं वो सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट क्लास और बीएससी की, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्लास हो और चाहे वो रिटर्न बेस्ड क्लास हो, वो सभी क्लासेस आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।